अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सरिश बलोच। आप मेरा चैनल देख रहे हैं सरिश इस्माइल व्लॉगिंग। तो आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सो प्लीज़ व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी वही पहले वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें जो मैंने रिक्वेस्ट करती हूँ व्लॉग की स्टार्टिंग में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। प्लीज़ 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 वीडियो को वॉच भी करें। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो व्यूअर, मुल्तान में इतनी शिद्दत से बारिशें हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बारिशें हैं, बहुत बारिशें हैं, कच्चे मकान, बस नुकसान भी बहुत हुआ है। तो मेरी खुद की सिस्टर है, उनका घर बिल्कुल कच्चा है, जैसे कच्ची ईंटों से बना हुआ होता है ना, तो ऐसे ही उनका घर बना हुआ है। तो जब बारिश आती है तो बहुत हम डरे सहमे हुए होते हैं कि उनका क्या हाल होगा। बार बार हम फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं बस पड़े हैं अल्लाह के सहारे, अल्लाह ने इज़्ज़त रखी हुई है। तो अंदर भी मतलब बैठे हैं तो उनकी जो छत है ना वो फुल लीक है, फुल मतलब भाई सारा पानी आता है, जहाँ पर बच्चे सोते हैं वहाँ पर पानी आता है। तो बहुत बहुत परेशानी होती है जब बारिश आती है। तो यहाँ पर बारिशें तकरीबन रोज़े के दो दिन पहले आई थी, एक दिन पता नहीं दो दिन, जिस दिन ज़लज़ला आया था उस दिन से बारिशें शुरू हुई हैं। तो हर दो दिन बाद या एक दिन बाद बारिश है, एक दिन बाद या दो दिन बाद बारिश ही बारिश। आज सुबह को कल रात को इतनी बहुत तेज़ आंधी आई, आंधी के बाद फिर हल्की फुल्की बारिश है, फिर रात को 2 बजे बहुत तूफ़ानी आंधी आई, उसके बाद फिर सुबह को बारिश फिर जैसे रुकी फिर बहुत तेज़ हवा चली। खैर फिर हवा रुक तो गई, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी हल्की 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 बूंदें गिरी हैं बारिश की। अब आप खुद आइडिया लगा लें कि कितने गहरे बादल हैं। अल्लाह माफ़ करे, डर भी लग रहा है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल शाम हो गई हो। तो बहुत बिल्कुल ब्लैक ब्लैक बादल हैं। अल्लाह पाक रहम करे, रहम करे, दूसरा अशरा चल रहा है, मकसद कर अशरा चल रहा है। तो अल्लाह पाक से आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उन गरीबों का, वहाँ जो गंदम काटी हुई है अभी, जिसकी नहीं काटी, जिसकी कच्ची है, किसी की कट गई है, वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो समय टीवी में हम ऐड देख रहे थे कि जो गंदम है ना, हुकूमत ने जो स्टोर की हुई थी, हुकूमत ने पता नहीं किसी और लोगों ने स्टोर की हुई थी, तो उस गंदम में कीड़े पड़ गए हैं। अल्लाह, ये है हमारे गुनाह और अल्लाह पाक का हिसाब। समझ से काम बाहर है। तो मुल्तान में तो बिल्कुल पहले ये एक ऐसे ही तूफ़ान इंडिया में आया है, तो उसके बाद अब ये तूफ़ान पाकिस्तान में आया है। तो अल्लाह पाक वो बहुत बहुत नाराज़ हैं। सो प्लीज़ अल्लाह पाक से मगफरत की दुआ करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तग़फ़ार का वर्द करना चाहिए। और ये आपको कैमरे में तो बिल्कुल भी मतलब फीका रंग नज़र आ रहा है आसमान का, लेकिन बहुत ब्लैक है, बहुत ब्लैक है। मैं घर में इस टाइम अकेली खड़ी हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर इन बातों को देखकर। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक के आसरे खड़े हुए हैं, अल्लाह पाक को जो करते हैं वही होता है। अल्लाह पाक जो है, और इस नीम के पीछे इतनी काली धुंध बादलों के टुकड़ा है, मैं आपको बता नहीं सकती। और बादल बोल भी रहे हैं, गरज भी रहे हैं, सुबह को भी बहुत गरज रहे थे, बहुत गरज। उसके बाद जो बरसे हैं ना, बस फिर उन्होंने कहा छोड़ दो हमें बरसने दो, तो बहुत बरसे हैं। तो ये जस्ट मुझे तो जब से मैं पैदा हुई हूँ मुझे तो लग रहा है कि ये पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि इतने गहरे बादल, वो भी विसाख के, कोई लोग कहते सावन है, मतलब ये सावन नहीं है, ये विसाख है, ये विसाख का मंथ चल रहा है। तो विसाख में गंदम जो आटा इतना महंगा, 11.5, अभी तो फ्री मिल रहा है, लेकिन जो ईद के बाद रेट निकला है 1150 का 10 किलो, तो ये इसके ऊपर फिर अल्लाह पाक का अजाब ना आए तो और क्या है। इतना महंगा आटा, इतनी महंगी गंदम, तो अल्लाह पाक ने कहा कि तुम जितनी महंगी करते हो मैं तुम्हारी उतनी ख़राब करूं। आप लोग भी कहेंगे कि ये क्या हमें फतवे देने खड़ी हो गई, फतवे नहीं दे रही। सो प्लीज़ प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, सो प्लीज़ 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 अल्लाह पाक से माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाएँ, सजदे में जाएं। ये देखिए चिड़िया, ये बेचारी अपने अपने घर जा रही हैं कि जल्दी जल्दी से घर पहुंच जाएं, बारिश आ रही है, या ना हम रास्ते में भीग जाएं, कहीं गिर जाएं और कोई बिल्ली या कुत्ता हमें चीर पाड़ कर खा जाए। ये
ये हमारी मुर्गियाँ भी ये फुल रज के बैठी हुई हैं, इनको मैंने दाना भी डाल के ना, बारिश शुरू हो जाए ये भूखी ना रह जाए, इनको भी मैंने दाना डाल दिया है। और वो जो बच्चों वाली माँ है वो अपने बच्चों को घरों में देकर उसको भी मैंने आटा भी डाल दिया है और दाना भी डाल दिया, पानी भी रख लिया, उन्होंने भी खा पी लिया है। और जो पिंजरे में मौजूद हैं बंद तोते, आओ आपको दिखाती हूँ। ये देखा है, ये चित्रपाल सामने मैंने दरवाजे के नीचे दे रखी है, ये इन चूज़ों की वजह से दे रखी है, क्योंकि जब इनको खोलते हैं तो ये बाहर निकल जाते हैं। कल भी इन्होंने यही हाल किया, तो अब मैंने आगे ये दे रखा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनको बंद किया और इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह दाना पानी आटा पानी सब कुछ खा लिया हैं। या फिर कुछ पेट में गुंजाइश है? ये जो आपकी गर्दन है ना, गर्दन ये खाने से भरी खड़ी है, लटकी खड़ी है, ऐसे बोझा बना खड़ा है, बस कर दो अब। ये ओ निकल आया है, निकल आया, अल्लाह ऐसे पकड़ूंगी कैसे, और ऐसे पकड़ लिया है। ये बड़े चलाक हैं, बड़े चलाक हैं। ये बस थोड़ी सी ऐसे खिड़की को ऐसे करने की देर है, और ये देखें, नजर आ रहे होंगे आपको, ये इनका हाल है। बड़े चलाक हैं माशाल्लाह, बहुत एक्टिव हैं। और इनको भी मैंने दाना पानी सब कुछ डाल दिया, और इनका दाना अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ भी है, और रोटी भी भिगो के इनको सबको डाल दिया। ये सब अब फुल है, फुल, कोई गुंजाइश नहीं है इनके पेट में, लेकिन फिर भी ये आदत से मजबूर होकर जो भी मैं डालूँगी ये खाएंगे। लेकिन इस मुर्गी ने बस कर दिया, और इसने अपने बच्चे देखें, 9 बच्चे हैं इसने अपने नीचे देख रखे हुए हैं, और कुछ बाहर खेल रहे हैं कुछ अंदर हैं। देखा, ये अपने परों में छुपा लेती। अब ये नहीं कि उस सबने दाना पानी खा लिया, मैं अपने बच्चों को और खुद भी लेकर खुड्डे में चली जाऊं, नहीं जी, वो बैठी है मैडम, सुबह से बाहर निकली है, इसने अंदर जाने का इनाम नहीं दिया। चल जा आप अंदर, चल जाओ आप खुड्डे में, नहीं इसने नहीं जाना अभी इसने बाहर रहना है। बच्ची जिस दिन कोई बिल्ली या चील आ गई ना, फिर तेरे बच्चों की खैर नहीं है। ये साथ वाले घर से बॉल आई है, बच्चे हैं ना उनके घर भी, वो खेलते हैं, तो कल भी उन्होंने फेंकी, पहले भी फेंकते तो मैं वापस फेंक देती हूँ, कि बच्चे उधर से जब तक आए दरवाज़ा खटते हैं तो मैं पहले से इधर से ही फेंक दूँ। ओह गया ही नहीं, अब फेंक दिया। तो वह मैडम को बुलाते हैं, वो मैडम इधर खाने में है। वीवर, मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वीवर ये देखें, अब फिर से बहुत तेज़ हवा आई है, इतनी तेज़ आई है एकदम से जिसकी कोई हद नहीं, और कभी फिर हल्की हो जाती है और कभी तेज़ हो जाती है। ये देखें, लेकिन हमारी माल्टे छोटे है ना, तो इसको इतनी परवाह नहीं होती जब हवा आती है, तो ये छोटा है और थोड़ा भारी भी, और इसके साथ फल भी लगा हुआ है माल्टे, मतलब कुछ तो कल बारिश की वजह से सुबह को बहुत गिरे पड़े थे नीचे, जब मैंने झाड़ू दी तो बहुत सारे उनको उठाया, लेकिन दुख लगा। और बादल जो हैं कुछ तो आगे भागते जा रहे हैं, और कुछ जो हैं वो पीछे से दोबारा आ रहे हैं। ये देखें, किसी जगह पे साफ हो रहा है, किसी जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बादल है ना, ये बारिश वाले नहीं है, क्योंकि ये फटे फटे हुए बादल हैं। ये देखें, यहाँ से फटे फटे हुए हैं, यहाँ से फटे फटे हुए हैं, तो इस वजह से कह रही हूँ। लेकिन अल्लाह के आगे तो कोई जोर नहीं, अल्लाह पाक चाहे तो अभी बरसा सकते हैं, लेकिन बिजली भी बहुत तेज़ चमक रही है, लेकिन आ जाएगी बारिश। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, लेकिन आज का व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि इसमें उर्वा जो नहीं है तो इंटरेस्टिंग कैसे होगा ये व्लॉग। वो बादल गरज रहे हैं, तो ठीक है, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह कल के नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे कल की नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ इंशाल्लाह। ज़िंदगी बकौल ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना मुझे भी।